फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। अवंती बाई का विरोध करने वालों के बोरिया बिस्तर समेटने का काम करेगी महासभा। परशुराम, आज अखिल भारतीय लोधी लोध महासभा की ओर से बेवर रोड नाला बघार स्थित विक्रांत सिंह राणा के प्रतिष्ठान पर आयोजित अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी के 166वें बलिदान दिवस पर महारानी की शहादत को याद करते हुए चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संकल्प लिया कि जिन लोगों ने अवंतीबाई महाराणा प्रताप सिंह की मूर्ति लगे में अड्डा पैदा किया, उनका बोरिया बिस्तर समेट कर घर भेजने का कार्य करे समाज। वही विक्रांत राणा ने अपनी जमीन नाला बघार पर शीघ्र ही वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा लगवाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री परशुराम वर्मा ने कहा, मंत्री जी की घोषणा के बाद भी यहां के जनप्रतिनिधियों ने महारानी अवंतीबाई व महाराणा प्रताप की मूर्ति लगने नहीं दी। ऐसे लोगों को महासभा सबक सिखाकर उनका बोरिया बिस्तर बदहबाने का कार्य करें। जहां अवंतीबाई ने देश हित के लिए अपने को बलिदान की है, हम लोग आधी रोटी खाकर अपने बच्चों को शिक्षित बनाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जिला कोषाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह राजपूत एडवोकेट व विक्रांत सिंह राणा ने कहा कि हमें नशा शराब को त्याग कर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बेटियों को भी उच्च शिक्षित बनाने के लिए आगे आना होगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र राजपूत ने कहा कि हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों, पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने समाज को कुरीतियों से दूर रहकर संगठित शिक्षित बनाने का आह्वान किया। आज के बलिदान दिवस समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेश चंद्र राजपूत ने व संचालन अरविंद राजपूत ने किया। प्रमुख रूप से पूर्व नायब तहसीलदार ब्रह्मानंद वर्मा, रामलुलते राजपूत, हेमराज सिंह राजपूत, एडवोकेट सुघर सिंह, रामगोपाल वर्मा, अमर सिंह राजपूत, बेचेलाल वर्मा, राम सरकार राजपूत, प्रवीण वर्मा, रमेश चंद्र राजपूत, देवराज सिंह, एडवोकेट वीरभान सिंह राजपूत, वैद्य वीरेंद्र सिंह आदि तमाम लोगों ने भाग लिया। आज आपका अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया गया और एक बात आप कह रहे थे कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मूर्ति नहीं लगने दी अवंतीबाई की, उनके प्रताप सिंह की। मैंने ये कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार वर्मा, डेविड सदर विधायक एटा, सभापत पंचायती राज उत्तर प्रदेश सरकार के डेविड जी के मुलाकात मुख्यमंत्री जी से जब हुई है मूर्ति को लेके, तो उन्होंने गृह सचिव को फोन किया और डीएम से प्रस्ताव मांगा, तो जो प्रस्ताव यहाँ से हमने नगर पालिका का सहमत पत्र लेकर डीएम को दिया, वो जब प्रस्ताव लीक हुआ कि डेविड जी मूर्ति लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसमें काम टांग अड़ाने का काम किया, मैंने ये कहा है। और उत्तर प्रदेश शासन के पर्यटन राज्य मंत्री जयवीर सिंह भदौरिया यहाँ फर्रुखाबाद में आके घोषणा कर गए कि महारानी अवंतीबाई और महाराणा प्रताप जी की अष्टधातु की मूर्ति लगेगी, क्षत्रिय महासभा की घोष में आते हैं, हाँ लगेगी। तो ऐसा क्या हुआ कि पर्यटन राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वो मूर्ति क्यों नहीं लगी, मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल है उनसे, और मैं यहाँ के जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ और शासन से पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने मंत्री द्वारा जो घोषणा कराई वो पूरी क्यों नहीं हुई, जबकि मैनपुरी में उन्हीं पर्यटन राज्य मंत्री जयवीर सिंह भदौरिया द्वारा की गई घोषणा कि महारानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप की दोनों लोगों की मूर्ति वहां लग गई है। तो फर्रुखाबाद में क्या कारण है जो उनकी घोषणा का पालन नहीं हुआ, अभी तक पालन नहीं हुआ? अभी आप ये कह रहे थे उनको बोडिया इस तरह बंधवा के अपने उन्हें घर पे भेज दिया जाए। निश्चित तौर से जो महारानी का विरोध करेगा, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका बोरिया बिस्तर समेटने का काम महासभा करेगी निश्चित तौर पे। इसमें कोई अध्यय जी, आज महारानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस था, इस मौके पर आज आप अपने समाज को, अन्य जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे महारानी वीरांगना अवंतीबाई ने अपने को कुर्बान कर दिया और वो झुकी नहीं और उन्होंने हार मानी, इसी तरीके से मैं ये संकल्प लेता हूँ और समाज से भी आग्रह करता हूँ कि वो अपने सम्मान को सुरक्षित रखे, सम्मान के साथ कभी समझौता न करे, और सम्मान अगर कहीं उसका जाता हो तो भले ही बलिदान क्यों ना होना पड़े, लेकिन सम्मान नहीं देना चाहिए जी। आपके प्रतिष्ठान पर आज महारानी अवंतीबाई का
बलिदान दिवस मनाया गया, इस पर आप समाज के प्रति क्या कहेंगे? हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हमको आज़ादी मिली है, जिन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, और उसके आधार पर हम लोगों को आगे भी अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने होंगे। इसलिए जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, और उसी के आधार पर हम लोगों की आज़ादी सुनिश्चित होती है। ये जो महाराणा प्रताप और अवंती बाई की मूर्ति लगनी थी जनपद में, उसका क्या कारण है जो नहीं लग पाई अभी तक? देखिए, जो भी राजनीतिक प्रदर्शन रहा हो, राजनीतिक स्थान में ये मूर्ति नहीं लगी, उसका अर्थ ये हुआ कि समाज को जो राजनीतिक आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं मिल रही। इसलिए जो अन्य जातियां हैं, जातियां आधार पर देश बटा हुआ है, तो जो अन्य जातियां हैं वो कहीं ना कहीं समाज का शोषण कर रही हैं। इसके आधार पर हमने स्वयं यहां पर 5 डिसमिल जमीन अपनी दान की है, और एक मूर्ति की भी जो है ऑर्डर दिया है, जो कि 14 फुट ऊंची है, बहुत जल्द यहाँ पर आएगी, और अगले महीने तक हो सकता है चुनाव के बाद हम स्थापित करें। बकी साहब, आज जो महारानी अवंती बाई का बलिदान दिवस था, इसमें संख्या बहुत कम रही, इसका क्या कारण है? संख्या इसमें आलू भालू खुद रहे लोगों की, हाँ, और जितने लोगों को सूचना दी गई उतने लोग आए, बाकी कुछ लोग वहाँ चले गए कन्नौज। अच्छा, क्या संदेश क्या दिया गया मतलब समाज को? संदेश बलिदान दिवस था, इसमें भीड़ क्या? नहीं, बलिदान दिवस भीड़ बढ़ी, संदेश क्या दिया गया, जैसे शिक्षा का, स्वास्थ्य का? हाँ, स्वास्थ्य और मेहनत करने का, एकजुट रहने का, और जो लोग हम लोगों की इज्जत नहीं करते उनको जवाब देने का, और अपनी स्थिति को बताने का, लोग हम क्या हैं। ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है, हम लोगों का प्रयास है, अखिल भारतीय लोधी महासभा का प्रयास है कि इस पे हम लोग बहुत जल्द से जल्द सफलता पा पाए।